हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीकेडी कंप्यूटर स्टडी में। तो दोस्तों जैसा कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में एमएस वर्ड की रेफरेंस टाइप की जो छोटा हुआ सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एमएस वर्ड की फाइल पर, विंडोज आधार प्रेस करेंगे, बिन वर्ड लिखकर एंटर करेंगे। तो जल्दी से हम पहुँच चुके हैं वर्ड की फाइल पर, इसको कर लेते हैं मैक्सिमाइज। तो रेफरेंस टैब में, तो पिछले वीडियो में दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड नोट्स फुट नोट्स इस पर डिस्कस अच्छे से कर चुके थे। नेक्स्ट आज काफ़ी कुछ इसमें सीखने वाले, तो सबसे पहले क्या करते कर लेते हैं अपनी फाइल को तैयार, यानी कि चैप्टर तैयार कर लेते हैं कुछ। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में क्या करते हैं दोस्तों, कुछ टेक्स्ट टाइप करते, तो टेक्स्ट टाइप करने में काफ़ी समय लगेगा, तो इसलिए हम बाई डिफ़ॉल्ट जो आ जाता है इक्वल रैंडमली करके, तो उसको ले लेते हैं। कुछ इस तरह से। तो नेक्स्ट अगला चैप्टर अगला पेज यानी कि नया पेज लेने के लिए नीचे, तो कंट्रोल के साथ एंटर। तो नेक्स्ट आ चुके, यहाँ से ले लेते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर यहीं भी टेक्स्ट लिख लेते, नेक्स्ट न्यू पेज लेने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर। इक्वल आ रहे हैं एनडी। नेक्स्ट तीन पेज हो चुके, एक पेज और ले लेते हैं कंट्रोल के साथ एंटर। सबसे पहले कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद हार्डवेयर, हार्डवेयर के बाद यहाँ ले लेते हैं सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट यहाँ ले लेते हैं माउस। चलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखना, काफ़ी कुछ इसमें एडवांस सीखने वाले हैं। तो चलिए हमारे कितने पेज यानी चैप्टर तैयार हो चुके हैं, चार चैप्टर। अब चार चैप्टर्स को यानी कि सबसे पहले ऐड टेक्स्ट, तो ऐड टेक्स्ट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे और ऐड टेक्स्ट पर यहां से क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड वाले में सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, तो इसको तो हम पिछले वीडियो में भी जान चुके थे। तो चलिए आज आगे का क्या सीखने वाले हैं उस पर जल्दी जल्दी से चलते हैं। तो माउस को सिलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट कर देंगे लेवल 3। दोस्तों अब हमें क्या चाहिए, कंटेंट्स चाहिए, यानी कि किस पेज पर हमारा कौन सा चैप्टर है। तो चलिए यानी कि एक ब्लैंक पेज लेना होगा, यदि हम लिस्ट पहले लेना चाहेंगे तो कर्जर को यहाँ पर रखेंगे और इससे पहले एक ब्लैंक पेज ले लेंगे। कंट्रोल के साथ एंटर, कर्जर को यहाँ पर लाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट्स पर जाएंगे और यहाँ से टेबल जो चाहे जैसे चाहे मतलब कंटेंट्स ले सकते हैं इस तरह से। तो इन पर हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, तो चलिए आज सिंपल ले लेते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ एडवांस सीखने वाले हैं। तो देखिए हमारा सेकंड पेज पर कंप्यूटर का चैप्टर है और थर्ड पेज पर हार्डवेयर, फोर्थ पे सॉफ्टवेयर और माउस, फिफ्थ पे। तो चलिए तो इस तरह से तो हम कल के वीडियो में यहाँ तक तो सीख चुके थे। नेक्स्ट दोस्तों अब हमें क्या करना, कंप्यूटर के बाद यानी कि कुछ और भी लिखना, कंप्यूटर के बाद हमें इंटरनेट भी लिखना या और भी। तो चलिए कंप्यूटर के बाद इंटरनेट और इसमें हार्डवेयर में, हार्डवेयर के बाद CPU, सॉफ्टवेयर में विंडोज या डोस, या विंडोज ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं, लिनक्स विनक्स ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इन पर हम एक्स्ट्रा कभी वीडियो लेकर आएंगे तो तब अच्छे समझाएंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं चलिए सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर में ले लेते हैं चलिए डोस,
तो इस तरह से कर सकते हैं। अब हमें क्या करना, इस जो हमने ये लिस्ट ली है, अब इसमें क्या करना चाहते हैं, हम चेंजिंग करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, अपडेट टेबल, यहाँ पर जाएंगे अपडेट टेबल, क्लिक करेंगे अपडेट पेज नंबर्स ओनली, पेज नंबर्स को अपडेट करना चाहते हैं तो ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे, यदि अपडेट इधर टेबल, यानी कि हम टेबल को अपडेट करना चाहते हैं तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए कंप्यूटर इंटरनेट, जो कि हमने कंप्यूटर में इंटरनेट को मिक्स किया है, तो इंटरनेट आ चुका है चैप्टर में। इस तरह से सभी कंटेंट्स में यहाँ से जोड़ सकते हैं, इस तरह से यहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरह से मतलब जो भी आप अपडेट करना चाहें तो टेबल में यहाँ से अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर कोई पिक्चर यानी कि फिगर लगाते हैं, और फिगर को डायरेक्टली हम टेबल से ही डायरेक्ट फिगर पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए क्या करना होगा उसके लिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा टेक्स्ट को यहाँ से कर देते हैं कट, तो सबसे पहले कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की कोई इमेज ले लेते हैं। तो चलिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, क्लिप आर्ट, और यहाँ से कंप्यूटर टाइप करेंगे। तो इस पर हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो समझ चुके होंगे। गो पर क्लिक करेंगे तो देखिए कंप्यूटर की इमेज आ चुकी है। तो चलिए अब इसको कर देते हैं यहाँ से कट, साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों कंप्यूटर की फिगर आ चुकी, अब इसको क्या करना है, कैप्शन लगाना। तो इसको उठाकर भी रख सकते हैं, लेकिन उठाकर ऐसा नहीं कर सकते, इसको पहले रैप टेक्स्ट करना होगा, यदि रखना चाहें तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अब इसको जहाँ चाहे वहाँ पर उठाकर रख सकते हैं। तो चलिए रेफरेंस टैब में, क्योंकि इसको तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर क्या करना है, इंसर्ट कैप्शन, तो यहाँ से भी क्लिक करके हम इंसर्ट कैप्शन लगा सकते हैं, या फिर सब सिंपल सा राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिगर वन यानी कि फिगर वन है इसका, यहाँ से पोजीशन सिलेक्ट कर लेंगे, और ऊपर यानी कि ऊपर लगाना चाहते हैं या नीचे, तो क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे आ चुका फिगर वन। तो नेक्स्ट अगले पेज पर लगाएंगे हार्डवेयर की, तो चलिए हार्डवेयर के लिए चलिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, कोई शेप्स ले लेते हैं यहाँ से, तो हार्डवेयर में चलिए ये वाली शेप्स ले लेते हैं, राइट क्लिक इंसर्ट कैप्शन फिगर टू, तो इसकी पोजीशन सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर लगाना चाहते हैं नीचे, तो इस तरह से देखिए आप ऊपर लगा सकते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर की कोई इमेज ले लेते हैं, इंसर्ट टैब, मतलब इमेज ले सकते हैं, उनको कैप्शन किस तरह से कर सकते हैं। चलिए सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में चलिए वाली इमेज शेप्स ले लेते हैं यहाँ से, राइट क्लिक इंसर्ट कैप्शन, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं दोस्तों, इसको रेफरेंस टैब में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन फिगर थ्री, ओके कर देंगे, तो देखिए फिगर थ्री हो चुकी है। तो नेक्स्ट फोर्थ पर माउस, तो यहाँ से इस पर भी कोई शेप्स ले लेते हैं, या क्लिप आर्ट में जाकर कोई भी इमेज ले लेते हैं, या पिक्चर्स में जाकर पिक्चर्स ले लेते हैं, जो भी आप पिक्चर लगाना चाहें, देखिए देख लेते हैं। तो देखिए पोजीशन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो पिक्चर लेना चाहे चलिए वाली पिक्चर ले लेते हैं, तो देखिए आ चुकी, इसका साइज कम कर लेंगे, तो इस तरह से जिस भी तरह की पिक्चर चाहें उस तरह की पिक्चर लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लगा सकते हैं, इसको यहाँ से रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अब इसको उठाकर जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों चैप्टर का नाम माउस है, लेकिन पिक्चर्स हमने लोगो ले लिया है, क्योंकि हमारे पास फोटो में लोगो था, तो सिर्फ हमारे तो सिखाना है, आप जिस तरह का आपकी गैलरी में लैपटॉप की जो गैलरी है यानी कि जहाँ पर फोटो है, फोटो फोल्डर के अंदर जो भी माउस की इमेज हो तो उसको यहाँ पर लाकर लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास माउस की इमेज नहीं थी इसलिए हमने लोगो को यहाँ पर लगा दिया है। तो चलिए रेफरेंस टैब में जाएंगे,
और इस पर भी फिगर इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक कर देंगे तो फिगर चार यानी कि फोर्थ नंबर की पिक्चर है तो इस पर देखिए फिगर चार हो चुका है। अब दोस्तों इनको क्या करना, हमें इनको भी जिस तरह से हम कंटेंट्स यानी कि चैप्टर्स की लिस्ट बनाई थी उसी तरह से इनको भी हम एक लिस्ट यानी कि इसके नीचे एक लिस्ट में इनको रखना चाहते हैं और हमें उस लिंक पर क्लिक करना है और डायरेक्ट हम उसी फिगर यानी कि उस पिक्चर्स पर पहुँच जाएंगे जो भी जिस चैप्टर से रिलेटिव हमारी पिक्चर्स है। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से इनके जिस तरह से टेबल में वर्क कर रहे थे उसी तरह से यहाँ से भी सेम पोजीशन है तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। तो इन सब के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा तो देख लेना। यहाँ से लाइनिंग ले लेंगे, जिस तरह की लाइनिंग लेना चाहें तो ओके करेंगे। तो देखिए आ चुकी है दोस्तों फिगर वन दूसरे पेज पर है कंप्यूटर इंटरनेट की और फिगर दो पर हार्डवेयर की CPU। तो इस तरह से यानी कि इमेज लगा सकते हैं। अब दोस्तों हमें डायरेक्ट फिगर पर जाना है कि कौन सी फिगर कहाँ पर है यानी कि पोजीशन कहाँ पर है, किस पेज पर है। तो उसके लिए करना होगा दोस्तों कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबा कर रखना है और माउस को कहाँ पर लाना है, उस फिगर यानी कि उस फिगर के उस लाइन के इस सामने लाना है या उस फिगर पर। तो देखिए हैंड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, हाथ बना हुआ, तो उस पर लाकर माउस का लेफ्ट वाला बटन से क्लिक करना है। लेफ्ट वाले बटन से क्लिक करेंगे तो फिगर पर पहुंच जाएंगे। देखिए आ चुके फिगर फर्स्ट पे, एक बार और दोबारा देख लेते हैं। देखिए कीबोर्ड का कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और माउस को वहाँ लेकर जाएंगे जिस फिगर पर जाना हो, फिगर दो पर जाना हो तो यहाँ पर लाकर क्लिक कर देंगे। तो देखिए फिगर दो सूरी पर आ चुके हैं या फिर फिगर फोर, तो कंट्रोल की को दबाएंगे और चौथे वाली फिगर पर क्लिक करेंगे माउस को ले जाकर। तो देखिए चौथे वाले नंबर की फिगर पर हम डायरेक्टली पहुंच चुके हैं दोस्तों। एंड नोट फुट नोट पर भी हम पेज के नीचे ऊपर लगा रहे थे। इस तरह से दोस्तों जो भी हमारा मतलब जिससे कैटेगरी का हमारा चैप्टर्स है उससे रिलेटिव हम फिगर एंड की पिक्चर्स को लगा सकते हैं और उस पिक्चर्स पे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं लिस्ट को, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स से यानी कि कंटेंट्स को टेबल के थ्रू यहाँ पर टेबल के जैसा तैयार कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से डायरेक्टली हम उसी फिगर पर पहुँच जाएंगे जिस फिगर पर भी हम जाना चाहे। तो नेक्स्ट दोस्तों इंसर्ट कैप्शन, इसको हम क्लियर कर चुके। तो क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट ऑफ फिगर्स और अपडेट टेबल, दोस्तों अपडेट टेबल ये जैसे हम यहाँ से वर्क कर रहे हैं वैसा ही यहाँ से इसलिए हाइड है क्योंकि अपडेट टेबल इधर वाला चल रहा है। तो नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस, तो इसको हम इस यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर पड़ चुके क्लोज रेफरेंस। देखिए ये वाला, अगर आपने नहीं देखा इंसर्ट टैब वाला वीडियो तो इंसर्ट टैब को कंप्लीट देख लेना, आपके एक को जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए रेफरेंस टैब, तो रेफरेंस टैब में दोस्तों काफ़ी कुछ हम सीख चुके हैं। तो तो आज के वीडियो में इतना ही फिलहाल, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इंसर्ट टैब में हम क्रॉस रेफरेंस को कर चुके हैं क्लियर, और जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट कर देना, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने की। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी हमें कॉन्टैक्ट यानी कि मैसेज कर सकते हो या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।